हेलो हरि दे 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 स्टॉल ओढ़ ले ऊपर से मेरी तरह बस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है ये है मेरी लगन का। इससे पहले का जो व्लॉग था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और मैंने बताया था कि जो अगला व्लॉग आएगा वो लगन का आएगा। तो फिलहाल आप यहाँ से मेरी शादी के व्लॉग एंजॉय कीजिए। मेरी जो लगन थी वो लिखी गई थी 15 जनवरी को। तो बस सुबह सुबह का टाइम था, नहाकर मैंने पहनी थी साड़ी। हमारे यहाँ पर साड़ी में ही लगन लिखी जाती है। मैंने कोशिश की है इस ब्लॉग में कि जैसी चीज़ें हो रही हैं ओरिजिनल वॉइस ही मैं इसमें आपको दिखाऊं, जैसे जैसे गीत होते थे और जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि जो शादी के गीत होते हैं और जो भी रस्में होती हैं उसमें जो ओरिजिनल वॉइस है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो मैंने कोशिश की है इस ब्लॉग में कि ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल वॉइस ही मैं दिखाऊँ। और ये लगन वाले दिन का ही है, शाम का। इस दिन होने थे नोक, तो बस ये अम्मा करा रही हैं तैयारी नोक कराने के लिए। हर चीज एक्स्ट्रा में लेके चल रहा का? मैंने तो फर्स्ट टाइम ही अपनी शादी में ध्यान दिया है इन सब चीज़ों पर। यहाँ अनाज को कूटा जाता है, इसके बाद से चीज़ें फिर शुरू होती हैं। और अपनी ही शादी में मैं ही शूट कर रही हूँ व्लॉग यहाँ पर बैठकर। तो नोक अम्मा ने कराए हैं और उसके बाद देखिए ये हल्दी और घी के हाथों की जो छाप होती है इसको लगवाया जाता है। भाई लोग जानते ही हैं जैसे जैसे चीज़ें होती हैं थोड़ा बहुत ही कहीं अंतर होता है, अदरवाइज़ चीज़ें वैसे सेम ही होती हैं। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी जानकारी कम हो, लेकिन अम्मा यहाँ पर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करा रही हैं, क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना जितना वो जानते हैं उतना शायद हम लोगों को तो अंदाज़ा भी नहीं होता। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझे चढ़ रहा है यहाँ पर तेल और
और यहाँ पे ना ऐसा होता है कि जो कपड़े एक बार पहन लिए जाते हैं ना तेल चढ़ने में या हल्दी में, फिर उनको ही पहना जाता है। तो मैं बार बार आपको इन्हीं कपड़ों में दिखाई दूंगी, हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है। अच्छा, इन्हीं में इनमें ऐड कर दूंगी हम। और यहाँ पर मुझे तेल चढ़ रहा है और अम्मा के चल रहे हैं गीत, जो जो लगाता जाता है उसके नाम से गीत बनाते जाते हैं। पता नहीं यार क्या क्या चीजें होती हैं। चाय तो ले ली थोड़ी सी, ये आओ चाय समोसे एंजॉय करो। इसे ही बना दो चाय समोसे, मैजिक पार्टी, मैजिक पार्टी। अरे आनी ना, सबको ले ले शेफाली, सब आ जा। ऐसा यहाँ रख दो, यहाँ रख के बनाओ। सामान भाई ले जा रहे हैं ऊपर, अब करते हैं पैकिंग स्टार्ट। थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी, बाकी की जो बची अब दीदी आ गई है और छोटी वाली सिस्टर भी आ गई है, तो बस अब लगते हैं काम पे। और यहाँ पर मैंने बना लिया है स्वास्तिक, तो बस मैं रख रही हूँ अपना सामान। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, मतलब अपने घर से जाने के लिए पैकिंग शुरू। इस ब्लॉग में जो हमारी बहन भाइयों की बातें थी, मस्ती थी, वो आपको ओरिजिनल ही मिलेगी। मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है। ये उसकी होंगे सोफे, है ना? और शादी हो या जो भी हो, काम किए बिना तो मन मानता ही नहीं। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती थी, लेकिन थोड़ा बहुत सामान वगैरह हटाना, तो बस ऐसे ही मैं हेल्प करा रही हूँ। छोटी सिस्टर कर रही है अपना काम। और एक अटेंडेंट तो इनको चाहिए ही, तभी ये रुकने वालों में से हैं। सच में ठंड इतनी ज़्यादा थी और इसे बिल्कुल नहीं रुकना होता था, बस नीचे भागने की चलती थी। चलो क्या कर रही है? मेरी कमर दिख रही है। यार ये कैसे बैठी है? यार खाने खाने का माहौल है। आज बड़ी स्टाइल में पीकी भैया, तुझे तो मैं जरूर लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्वेता परात में क्या आ रहा है? ना प्रतीक, क्या कह रहा है शेफाली को? शेफाली देख ले, क्लियर करो बात को। शेफाली जल्दी क्यों ये? तुम भाग जाते इससे डर के। गुडी क्या चल रहा है? कुछ नहीं आ रहा समझ में। बड़ी और तू उससे वैसे ही सोच रहा, दीदी हैं यहाँ जितनी भी बैठी हैं, जितनी भी हैं सब दीदी हैं। दीदी कैसे मत कर, मोटी मोटी काट लियो, यू ना उससे वो सजा रहे हैं। कभी लच्छे कटे तेरे, क्या कह रही है ये? अचार लेगी, लेगी अचार। और यहाँ पर हम कर रहे हैं अपना डिनर एंजॉय। हम सारे ना साथ में बैठकर ही खाना खाते थे, चाहे वो दोपहर में हो चाहे वो रात में हो। और खाना खाते टाइम जो एक दूसरे की टांग खिंचाई होती थी, बस पूछिए मत। तो ये मौसी की बेटी है और चाचा जी का बेटा है, इन दोनों में आपस में अपनी अलग ही चल रही है, पता नहीं कौन सा वार चल रहा है इनका। तो बस वही हम सब इंजॉय कर रहे थे, हंसते हंसाते और साथ में डिनर भी। मेरे
दे 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 ओए चुप बैठा रहे पता ना दी के जो खुशी के पल होते हैं ना वो पता नहीं कब में बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। टाइम ऐसे आया और फुर से बस यूं ही निकल गया और देखते देखते 2 महीने भी हो गए। और भाई ये देखिए हमारे डिनर की थाली, मेथी की भुजी साथ में दाल रोटी, बहुत ही मस्त होता था। हम साथ में मिलकर खाते थे तो मज़ा और दुगना चौगना हो जाता था। तो बस इसी के साथ ना ये है मेरा जो व्लॉग है लगुन वाला, ये ख़त्म होता है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। सुबह सुबह पूजा करने के बाद मैं पापा मम्मी को माला वगैरह अर्पण कर रही हूँ। और बस इस व्लॉग को भी ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि फिर आगे का अगर मैं करूँगी तो वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। फिलहाल आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे शादी के व्लॉग अगर आप इंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा और प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ मज़ेदार सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।